मैं समझता हूँ एज ए डॉक्टर कि एक डेंगी अल्लाह करे कि किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी को होता है डेंगी हेमरेजिक फीवर तो उसकी जान नहीं जानी चाहिए। एक मुस्तनेद डॉक्टर जो ट्रेंड है इसके लिए उसको इसकी तशखीस करना आनी चाहिए, NS1 कराना है, जो भी टेस्ट कराना है, प्लेटलेट काउंट, हेमेटोक्रिट कराना है, खून का गाढ़ापन देखना है, फौरी तौर पे देख के इसकी तशखीस करनी चाहिए। और अगर वो इलाज प्रॉपरली करता है, आपको प्रॉपर डॉक्टर तक आप पहुँच जाएँ मरहम के ज़रिए या ख़ुद पहुँच सकें, तो उसके बाद आपको चाहे स्ट्रेचर पर लाया जाए चाहे व्हील पेयर पर, उस डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि आप चल के जाएं अपने घर। देखें, इंसान, हर इंसान बीमार होता है, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हैं, और अपनी बीमारी के बारे में आपको भी पता होना चाहिए और मुझे भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने शिफा अल्लाह ताला देता है, लेकिन किसी ज़रिए से देता है, कोई किसी इंसान के ज़रिए से देता है, उस इंसान तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की, फालिज की, डेंगी, जो भी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, आपने अपनी बीमारी के बारे में पता करना है तो खुदारा अपने मोहल्ले के नाई से नहीं पूछें, पान बेचने वाले से नहीं पूछें, आप marham.pk के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वहाँ से एक मुस्तनद बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिस पर आप एक्ट करके बीमारी से बच भी सकते हैं और बीमारी का बेहतरीन इलाज भी करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम प्रोफेसर जावेद अकरम है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, इस वक्त अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं 5 मुल्कों में, UK में, USA तरबियत याफ्ता हूँ, और मैं वाइस चांसलर था 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का, और प्रिंसिपल था कई मेडिकल कॉलेजेस का, और हेड था बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स का, और इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का, इंटरनेशनल एडवाइज़र हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन का, और WHO की मैं गाइडलाइंस डेंगी फीवर की मैंने लिख चुका हूँ। देखें, डेंगी एक ऐसा मर्ज है कि जो इस वक्त 138 ममालिक में बशमूल सिंगापुर, मलेशिया, इस खित्ते के ममालिक में डेंगी मौजूद है। अगर ये समझा जाए कि डेंगी को कोई ख़ात्मा कर लेगा कोई भी मुल्क, तो ये मुमकिन नहीं है। आज तक ये मुमकिन नहीं हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सिंगापुर जैसी, वो भी इसका ख़ात्मा कर सके छोटी सी। तो हमें डेंगी के साथ रहना सहना सीखना पड़ेगा। डेंगी इस मुल्क में आ चुका है 1980 से, और जब भी इसके लिए मौजू एक मौसम होता है, वो मौसम जो ना ज़्यादा सर्द हो ना ज़्यादा गर्म हो, जब हम गर्मियों से सर्दियों में जा रहे हों या सर्दियों से गर्मियों में आ रहे हों, तो ये सर उठाता है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। डेंगी वायरस के ज़रिए आपके जिस्म को नुकसान देता है, और ये 4 किस्म की वायरस हैं, डेंगी 1, 2, 3, 4, और जो इसको एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलाता है या इसको आपको नुकसान देता है, वो मच्छर के ज़रिए है, और वो मच्छर का नाम है एडीज इजिप्शियाई, और उसकी भी फीमेल वैरायटी, जनाना वैरायटी इसको, जब वो मच्छर आपको काटता है, तो क्योंकि मच्छर इसलिए काटता है कि उसकी खुराक ही इंसानी खून है, और वो उसने खून चूसने के लिए आपको काटना है, तो वो उस वक्त अगर आप में वो वायरस मौजूद है, तो वायरस उस मच्छर फीमेल वैरायटी एडीज इजिप्शियाई में चली जाती है। वो मच्छरानी जो है वो अंडे देती है ऐसे पानी में जो साफ़ है या गंदा है, उसके कतरों में भी दे देती है, ब्रीड करती है, और वो हज़ारों के हिसाब से अंडे देती है, और उन अंडों में ये वायरस मौजूद होती है। जब वो अंडों से, लार्वी से छोटे मच्छर बनते हैं, बेबी मच्छर, तो उन मच्छरों में, सारों में ये वायरस मौजूद होती है, वो फिर जिनको काटेगी आगे वो मच्छर, उनमें ये वायरस मुंतकिल करेगी। और इसको डेंगी का लफ्ज़ी जो ग्रीक में इसका है, मतलब वो ये है ब्रेकिंग बोन, सख्त दर्द होने का, 5 या 6 दिन काटने के बाद जिस्म में सख्त दर्द, सर दर्द, उल्टी, जिस्म में दाने निकल आना, और ये अलामत होती हैं। डेंगी फीवर जो है वो बिल्कुल बेज़र्र बीमारी है, तकलीफ दह ज़रूर है, लेकिन उससे कभी भी कोई ना मरा है ना मरेगा।
लेकिन इसमें से कुछ 0.5% लोग ऐसे हैं जो डेंगी हेमरेजिक फीवर में हो जाते हैं। डेंगी हेमरेजिक फीवर इसकी एक शदीद वैरायटी है, और उसकी शदीद वैरायटी यह है कि उसमें चंद लोगों के, ख़ासकर उनको जो दूसरा या तीसरा अटैक डेंगी का हो रहा है, उनको नालियों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसका जो पानी का हिस्सा है, प्लाज्मा जिसको कहते हैं, वो रिसना शुरू हो जाता है, और वो 48 घंटे के लिए रिसता है, जिस्म के बाहर नालियों के चला जाता है। उससे आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। अगर इसको हम कहते हैं क्रिटिकल फेज़ डेंगी हेमरेजिक फीवर का या डेंगी शॉक सिंड्रोम का, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये ख़तरनाक चीज़ है। इसमें फौरी तौर पे आपको ड्रिप नहीं लगवानी, आपको जिस्म को डिहाइड्रेट रखना है, पानी की कमी रखनी है, पानी नहीं पीना, पपीते के पत्ते नहीं पीने, जो टोटके हैं ये नहीं करने, अपने मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना है। marham.pk पे जाएं, वो उनको पता है मुस्तनिद डॉक्टर कौन सा है, उसको दिखाएं, और वो अगर समझता है कि इसको आपको इस वक्त हॉस्पिटल दाखिल करना है तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल दाखिल हों। ये एक मामला 48 घंटे के लिए सिर्फ रहता है, अल्लाह की कुदरत है कि ये बीमारी जो नालियों के अंदर जो सेल्स हैं, जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, टाइलें हैं, उनको श्रिंक करती है वायरस, और वो 48 घंटे बाद वो अपनी जगह पे आ जाती है। वो खून जो नालियों के बाहर गया होता है वो वापस नालियों में आ जाता है, और अगर आपने ड्रिपें लगाई हैं तो ये डबल अटैक, बहुत सारा खून पानी वापस आता है तो फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, तो आपको सांस की बीमारी हो जाती है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, आपको वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है, आपके जिगर या गुर्दे ये सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आपको शॉक से बचाया जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होने से बचाया जाए, और ओवरलोड से बचाया जाए जो आखिरी दिनों में होता है। तो मैं समझता हूँ एज ए डॉक्टर कि डेंगी, अल्लाह करे कि किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी को होता है डेंगी हेमरेजिक फीवर, तो उसकी जान नहीं जानी चाहिए। एक मुस्तनिद डॉक्टर जो ट्रेंड है इसके लिए, उसको इसकी तशवीश करना आनी चाहिए, NS1 कराना है, जो भी टेस्ट कराना है, प्लेटलेट काउंट, हेमेटोक्रिट कराना है, खून का गाढ़ापन देखना है, फौरी तौर पे देख के इसकी तशवीश करनी चाहिए। और अगर वो इलाज प्रॉपरली करता है, आपको प्रॉपर डॉक्टर तक आप पहुँच जाएँ मरहम के ज़रिए या ख़ुद पहुँच सकें, तो उसके बाद आपको चाहे स्ट्रेचर पर लाया जाए चाहे व्हील चेयर पर, उस डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि आप चल के जाएँ अपने घर। तो इसलिए इससे डेंगी से सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी इसका किला कुमा कर दिया जाए मुल्क से, पूरी दुनिया से, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ अभी तक, ये 100 साल से आ रही है ये बीमारी। दूसरी अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आपको डेंगी होता है तो आपकी जान को ना ख़तरा हो, और ये मुमकिन है 100% कि आपकी जान को ख़तरा ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला करें कि आप डेंगी से महफूज रहें, और डेंगी से महफूज रहने का एक ही तरीका है कि बतौर मुसलमान हमारा निसफ ईमान सफाई है, वो निसफ ईमान अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, इस स्टूडियो में, अपने घर में, गलियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में सफाई सुथराई रखें, पानी कहीं नहीं खड़े होने दें, खासकर ऐसे मौसम में जब ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, खुश्की रखें ताकि मच्छरानी को कहीं भी जगह ना मिले अंडे देने की, ब्रीडिंग ना हो सके। जब ब्रीडिंग नहीं होगी, इसको हम सोर्स रिडक्शन कहते हैं, केमिकल स्प्रेज वगैरह का इतना फ़ायदा नहीं होता। आपके गड़े हैं घर में या घर के बाहर, उसको भर दें, अपना जो आपका टैंक है पानी का उसके ऊपर देख लें ढकना भी है कि नहीं है, कबाड़ खाना ना बनाएं अपने कोठे में, और अपने जो आपका फ्रिज है या कूलर है उसके नीचे जो ट्रे है उसका पानी साफ कर दें। ये छुप के ब्रीडिंग करता है, गमले में इतना पानी डालें जो जज़ब हो जाए, खड़ा ना होने दें। अगर आपने ये किया, आप अपनी जान भी बचाएंगे, अपने बीवी बच्चों की भी बचाएंगे, और मोहल्ले के लोगों की जान बचाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ये जो सफाई निसफ ईमान है हमारी अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे अमली तौर पे, और डेंगू से ख़ुद भी बचेंगे और औरों को भी बचाएंगे। आपका कोई भी अबहाम हो डेंगू के बारे में, कुछ भी आपने पूछना हो, 100 बिस्मिल्ला, आप मुझे कॉन्टेक्ट करें marham.pk के ज़रिए, चैट बॉक्स के ज़रिए कॉन्टेक्ट करें, हम हाज़र हैं। अगर हमारी थोड़ी सी काविश से मिल के मरहम के और हमारी आपकी ज़िंदगी आसान हो सके, बच सके, तो हम, जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली।
इसी तरह अगर आपको फिज़िकली दिखाना है और आप अफोर्ड करते हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट marham.pk से लें, जब मर्ज़ी देखें। अगर आप लाहौर के बाहर हैं, नहीं आ सकते, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुझे कॉन्टेक्ट मरम के ज़रिए कर सकते हैं। और अगर आप गरीब हैं, आप 5,000 रुपया नहीं दे सकते फ़ीस, तो फिर भी आप marham.pk के ज़रिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके क्लिनिक पर मुझे दिखा दें। आपका क्लिनिक कैशलेस फैसिलिटी है, कोई किसी चीज़ के पैसे नहीं लिए जाते।